एक नया कंसेप्ट हमारे साथ आ रहा है और वो है लिमिटेड प्रोडक्शन थ्योरी। देखिए क्या है कंसेप्ट, पहले समझना। कोई बुजुर्ग आदमी है, समझ में आ रहा है, बुजुर्ग आदमी है, बी है, ठीक है। उसके तीन बेटे हैं, ए बी सी, सही है। उसने सोच रखा है कि ए को जितना पैसा देना है उसका डबल बी को देना है। ए को 100 रुपये देना है तो बी को कितना देना है, 200, इस तरह से सोच रखा है। और यानी मोल वाइज बात करें, 1 करोड़ इसको तो इसको 2 करोड़, और इसको इसका डबल यानी कि 4 करोड़, ऐसी कंडीशन दे रखी है। समझ में आ रहा है? तो अगर इसको 1 रुपया देता है तो इसको 2, और इसको फिर उसका डबल 4 रुपये, इस तरह से उसने सोच रखा है। और ये दे रखा है कि मिनिमम हर एक को 1 लाख रुपए मिले। तो मिनिमम हर एक को 1 लाख रुपए मिले तो आप किसको पकड़ना पसंद करोगे, और बी का पैसा कम से कम लगे, बी का पैसा कम से कम लगे और हर एक को एक एक लाख रुपए मिल जाए, मान लीजिए, तो फिर मैं किसको पकड़ने की कोशिश करूंगा, ए को या इसको या इसको? ए को, क्योंकि सबसे कम इसको पैसा मिल रहा है। तो उसने कंडीशन क्या लगा रखी है, लिमिटेड प्रोडक्शन थ्योरी, यानी कि स्पेसिफिक कर रखी है किसी की प्रॉपर्टीज, कि हर एक को एक एक लाख रुपया मिले, तो जिसको सबसे कम मिल रहा है ना उससे डिसाइड करो। मान लीजिए इसको 1 लाख मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा, 2 लाख, और इसको कितना मिलेगा, 4 लाख। अगर इसको आपने 2 दे दिया तो इसको 4 देना पड़ेगा, और इसको कितना देना पड़ेगा, आप बात समझ रहे हैं? पहले समझो कॉन्सेप्ट्स को। तो अंतर क्या है, अगर इसको 50,000 रुपये दिए, 50,000, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 1 लाख, और इसको कितना देना पड़ेगा, 2 लाख। बताओ इसको देने के लिए इस आदमी का कम पैसा लगेगा, बुजुर्ग आदमी का, पक्का? लेकिन एक कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, और वो ये मिनिमम हर एक को 1 लाख रुपए देना जरूरी है। तो क्या ये सही रहेगा, गलत। इसमें उसका कितना लगेगा बुजुर्ग आदमी का, 4, 5, 6, 7 लाख, पक्का? लेकिन और इसमें कितना लगेगा, 8, 4, 12, 13, 14, 14 लाख। इसमें एक दिक्कत आ जाएगी, क्या दिक्कत आएगी बताएं, इसमें उसका ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो उसकी क्या कंडीशन बना ली उसने, कि मेरा ज्यादा पैसा भी ना लगे और सामने वाले को एटलीस्ट इतने इतने रुपए तो मिल जाए, तो बताओ मेरे कितने रुपए लगेंगे। तो ये हो गया एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन थ्योरी, समझ में आ रही है बात? तो अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, कुछ नहीं करना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया। लिमिटेड प्रोडक्शन थ्योरी के लिए एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी हो रहा है मेरे को, सही है? फिर एक साथ अपन थ्योरी लिखेंगे, पहले एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस तरह का कोई है, 4NH3+4, बस ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, 4, हाँ, O2, कन 4 नहीं, 5O2, 4NO+6H2, मैंने कुछ इस तरह का बनाया, और मैंने ये कह दिया एटलीस्ट हर चीज 100 ग्राम बननी चाहिए, दोनों प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए, 100 ग्राम, 100 ग्राम प्रोडक्ट बनने चाहिए। तो बताइए इसके कितने ग्राम बनते हैं, तो इसके कितने बनेंगे, सोच के बोलो। 4×30 कितना हुआ, इसका मोलर मास 30 है, कितना हुआ, 120 ग्राम। इसका कितना बनता है, 6×18, 108। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, ये सही है या ये सही है, इस जगह कौन सही बता सकता है आंसर? इसका 100 ग्राम बनेगा, तो इसका तो ज्यादा बनेगा ही बनेगा, ऐसा तो है नहीं कम बनेगा, कितना बनेगा इसका, 120। इसका जब 100 बनेगा तो इसका कितना बनेगा, 100, हाँ, ये मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की है, 100 से ज्यादा बनेगा, 100×120/108, ज्यादा के लिए क्या करोगे, 100 को ज्यादा बढ़ाना है तो
तो बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर रखोगे, छोटी वाली वैल्यू को नीचे रखोगे। बचपन से यही सीखते हैं, यूनिटरी मेथड। कम करना होता तो 108 बटा 120 कर देते। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा मैथ्स और बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ये समझना है कि मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, एक थ्योरी बनाना चाह रहा हूँ, मैं मैथ्स लगाना चाह रहा हूँ। और मैंने ये कंसेप्ट दे दिया है कि लिमिटेड के अंदर आपको ये दे रखा है कि एटलीस्ट हर एक का 100 ग्राम बने, एटलीस्ट। तो बताइए अमोनिया का कितना मास की रिक्वायरमेंट है, केवल अमोनिया की। तो आप ये देखो तो सर पहले कि ये अगर ये रिएक्शन हो जाती है फला फला, तो ये 120 ग्राम बनता है, तो ये कितना बनता है? 108 बनता है या नहीं बनता? 108 बनता है। तो 108 बनता है तो ये तो हमेशा ही कम बनेगा, ये क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा, सही है। तो आप 108 से ही डिसाइड कर लो कि सामने वाला कितना चाहिए, सही है। आप इससे पता लगाने की कोशिश करोगे कि इसके 100 ग्राम से, तो जब इसका 100 ग्राम बन रहा होगा तो इसका 108 से क्या बनेगा? कम। तो हमारी ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, कौन सी? जिसमें ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट दोनों का 100 ग्राम बनना चाहिए, जबकि इसका 108 बनेगा तो इसका तो ज्यादा बनना ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मिनिमम बने और इसको 100 ग्राम लेना है, तो फिर आपको पहले तो पता चल जाएगा स्पेसिफिक कौन सा रस वो है। या सुनो, इस थ्योरी को उतारे कंसेप्चुअली कैसे करेंगे आप, अपन बताओ जल्दी से। इस थ्योरी को अपन ने लिमिटेड प्रोडक्शन थ्योरी नाम दिया है, आपको ऐसे नहीं समझ में आ जाएगा, आपको स्टेप वाइज क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स को लिखो, थ्योरी लिखो, पहला कॉन्सेप्ट्स। इन दिस कॉन्सेप्ट्स इन दिस कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन से, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन ही बताएगा, या क्वेश्चन टोल्ड अस मिनिमम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स। मिनिमम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स, मिनिमम प्रोडक्शन का मतलब इतना बनना चाहिए, एंड रिएक्टेंट क्वांटिटी शुड बी मिनिमाइज, शुड बी मिनिमम। अपने लैंग्वेज में इसको उतार रहे हैं, भाई मुझे एक बिजनेस चालू करना है, 3 ब्रांचेस खोलनी है, ऐसे काम करना है कि बस मेरा काम चल जाए और पैसा कम से कम लगे, जहां जितने पैसे की जरूरत हो उतना ही दूं मैं, उससे ज्यादा नहीं दूं। ये मैथमेटिक्स है, समझ में आ रहा है? इसमें कोई इंजीनियरिंग या रॉकेट साइंस नहीं है, इसको वो आदमी कर सकता है जिसके पास कंसेप्चुअल पावर है। तो इसमें क्या है, मिनिमम प्रोडक्शन कंसेप्ट दिया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि मिनिमम प्रोडक्शन इतना हो और आपका इतना पैसा लगे, और कंडीशंस तो है ही, तो आप किसको पकड़ोगे जिसमें सबसे कम पैसा लग रहा है, उससे डिसाइड कर लो कि भैया हाँ ये तो काम चल जाएगा। तो सेकंड है स्टेप, फर्स्ट तो ये रहेगा, इसके हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्टेप सेकंड हमारी रहेगी, अबाउ कंडीशन कैन बी सॉल्व बाय द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, सेलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। एंड वी सेलेक्ट दोज प्रोडक्ट, एंड वी सेलेक्ट दोज प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस इन लेस अमाउंट बाय ग्राम वाइज। वी सेलेक्ट दोज प्रोडक्ट विच जनरेट लेस अमाउंट लेस अमाउंट, ब्रैकेट में लिखो ग्राम यानी वेट वाइज। बस एग्जाम्पल और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर देगा। ये वही लिमिटेड प्रोडक्शन थ्योरी से बेस है हमारे पास, हमें दिया है P4S3
8O2 P4O10 बन रहा है और 3SO2। कैलकुलेट मिनिमम मास ऑफ S4S3 P4S3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम सच प्रोडक्ट, 1 ग्राम ऑफ सच प्रोडक्ट। सच की जगह यहां पर हमारे पास ईच प्रोडक्ट है, गलत लिख दिया, ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब देखो कैसे आपको देखना है सॉल्यूशन, P4S3 प्लस 8O2 P4O10 प्लस 3SO2। आप मुझे बताइए इसका एक मोल का मास कितना होगा, 31 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हुआ, 4 4 12 160। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 8 2 2 8 4। यस और नो, इसके बारे में बताइए, सल्फर है ये SO2 तो 3 तो मल्टीप्लाई करना ही है क्योंकि हम हमेशा मास निकालते वक्त 3 स्टोइकोमेट्री का करते हैं, 32 प्लस 32 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 64, 4 3 12 1 6 18 और 1 19। अब ये बताइए कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कम बन रही है, ये या ये है हमारा स्पेसिफिक लिमिटेड प्रोडक्शन थ्योरी का, लिमिटेड प्रोडक्ट। अगर हमने इसको 1 ग्राम बना दिया तो ये 1 से ज्यादा बनेगा ही बनेगा, तो कहीं खत्म बात। तो इससे हमें फिर डायरेक्टली हम इससे इसको निकाल लेंगे। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, WP4S3, तो इसको हमें 1 ग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसका कितना बनाना है, 1 ग्राम, 1 डिवाइडेड बाय, इसका मोलर मास कितना है जल्दी से बताओ, 64 मोल हो गए इसके, इसका 1 ग्राम बनाना, इसके मोल आ गए पक्का, इससे इसके मोल निकालो, तो 1 बाय 3, जिसके मोल निकालना है उसका कॉफिशियंट ऊपर, जिसके दिए हैं उसका कॉफिशियंट नीचे, कुछ समझ में आया, मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास। अब इसका भी मोलर मास निकाल लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 3 12 और 3 2 6 9 0 2 2 220 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो थोड़ी और कैलकुलेशंस कर सकते हो, बाकी इसको करें जल्दी। तो ये लिमिटेड प्रोडक्शन थ्योरी का एक और अच्छा हो गया, 1.14 जो आपके पास आ रहा है ग्राम, ये कैलकुलेशंस कर दिया, ठीक है। तो आपके लिए हमेशा ध्यान रखना कब लगेगा वो पता लगाना है, स्टेप फर्स्ट कब लगेगा, स्टेप सेकंड आपको लगाना कैसे, लिमिटेड प्रोडक्शन में देखना है आपको, ये निकालना पड़ेगा इसका इतना मास बनता है तो इसका कितना मास बनेगा, ठीक है। और फिर जो कम है उस वाले मास को सेलेक्ट करना है, और फिर स्टेप थर्ड में आप वही करेंगे जो आपने पहले सिखाया है। आपको मालूम पड़ गया लिमिटिंग प्रोडक्ट कौन सा है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता था, अब लिमिटिंग प्रोडक्ट हो गया, बस अंतर ये है। तो लिमिटिंग रिएजेंट में भी आप क्या करते थे, लिमिटिंग रिएजेंट तो निकालते ही थे एक पार्ट मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके, यहां आपको बस मास निकालना है इंडिविजुअली और उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई करना है, इसका 284 बनेगा तो इसका 192 बन रहा है। तो ये हमारा लिमिटेड प्रोडक्ट है और यही डिसाइड करेगा, एक बार लिमिटिंग प्रोडक्ट निकल गया तो फिर क्वेश्चन बहुत ईजी चलता है, वही डिसाइड करता है कि इसका कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा, इसका कितना कंज्यूम होगा, इसका कितना कंज्यूम होगा। इज दैट क्लियर, अच्छे समझ में आ गया। तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना जो आपने समझा है कि इसमें लिमिटिंग प्रोडक्ट दिया जाएगा, हम फिर क्या करेंगे कि हर एक का इंडिविजुअल मास निकालेंगे, कैलकुलेट सेकंड स्टेप में यही रखना, कैलकुलेट मास ऑफ ईच प्रोडक्ट इन बैलेंस रिएक्शन, और फिर हम सेलेक्ट द रिएक्ट प्रोडक्ट विच जनरेट लेस अमाउंट इन लेस अमाउंट, और उसको बोलेंगे लिमिटिंग प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट, और फिर लिमिटिंग प्रोडक्ट डिसाइड करेगा सब चीजें, लिमिटिंग एलपी, लिमिटिंग प्रोडक्ट डिसाइड द प्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ, सॉरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच रिएक्टेंट तो आपके पास पूरे स्टेप्स आपके पास एक के बाद एक क्लियर होने चाहिए।